और उधर आपको बता दें सारे आतंकवादियों का गठबंधन हो गया दरअसल इसराइल के खिलाफ। आतंकवादी हमास का साथ देने अब पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन आ रहे हैं। पहले हिजबुल्ला ने हमास का समर्थन किया, इसके बाद आईएस ने हमास के समर्थन में दुनिया भर में यहूदियों पर हमले की धमकी दी, फिर हूती विद्रोहियों ने भी और आतंकवादियों ने भी हमास का साथ दे दिया, और अब लेटेस्ट जानते हैं क्या है? लेटेस्ट है अब पाकिस्तान में मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद के आतंकवादी भी गाजा पहुंचने वाले, हमास के साथ लश्कर गाजा पहुंचे हाफिज के गुर्गे। हमास की सुरंग में लश्कर के आतंकी, खासा पट्टी में पहुंचे हाफिज के लड़ाके, इसराइल के खिलाफ हमास, लश्कर, हिजबुल्ला का गठबंधन। पिछले 25 दिन से इसराइल और हमास के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है और इस जंग में इसराइल चुन चुन कर हमास के आतंकी ठिकानों और उसके आतंकी कमांडरों को निशाना बना रहा है। हमास और इसराइल के बीच छिड़ी जंग में दुनिया के कई मुस्लिम देश इसराइल का साथ दे रहे हैं। इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर है। दरअसल पाकिस्तान में आईएसआई के पाले हुए आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा हमास और फिलिस्तीनी नागरिकों के समर्थन के लिए रैलियां निकाल रहे हैं। लेकिन इस बीच एक चौंकाने वाली खबर भी सामने आई है। न्यूज 18 इंडिया को भारतीय खुफिया एजेंसियों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के साथ मिलकर हमास सपोर्ट प्लान तैयार किया है। न्यूज 18 इंडिया के पास उस पूरे रूट की जानकारी मौजूद है जिस पर हमास को सपोर्ट करने के लिए ये मूवमेंट हो रहा है। इसराइल पर हमले के दिन यानी 7 अक्टूबर के 4 दिन बाद ही खुफिया एजेंसियों को ये अहम इनपुट पीओके में मौजूद आतंकियों के लॉन्चिंग पैड में आतंकियों के मूवमेंट के जरिए मिला। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आतंकियों के कैंप से बाहर की जो मूवमेंट ट्रैक की गई है उसमें मार्शल केल सोनार जानाई शारदा शामिल है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आईएसआई की सरपरस्ती में पीओके से चल रहे इन कैंपों से आतंकी पहले पीओके से तुर्की जा रहे हैं, जहां से वो हमास के समर्थन में इजरायली सुरक्षा बलों के खिलाफ मोर्चा लेने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल पीओके से गए ये आतंकी फ्रंट लाइन में न रहकर हमास के बैक एंड सपोर्ट सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें लॉजिस्टिक मूवमेंट और आर्टिलरी डिपार्टमेंट शामिल है। पाकिस्तानी आतंकवादी और लश्कर कमांडर हाशिम अली अकरम के गाजा में अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी जब वो खुद को इजरायली हवाई हमलों से बचाने की कोशिश कर रहा था। वो हाफिज सईद का करीबी मददगार था। हमास के समर्थन में लश्कर और जैश पाकिस्तान में सार्वजनिक रैलियां कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा झटका। We all know who started this. It is a 50 years of Israeli occupation and the murder and killing of Palestinians with impunity that started this. When you push a people into the corner, they will respond. इस बीच आतंकी संगठन आईसिस ने हमास को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। आईसिस ने अपने आतंकवादियों से दुनिया भर में यहूदी नागरिकों पर हमले करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उसने पूरी दुनिया में इसराइल और उसके सहयोगी देशों में इसराइल के दूतावासों पर हमले करने के भी निर्देश दिए। आईसिस के निर्देश के बाद इसराइल के समर्थक देशों ने दुनिया भर में अपने अपने दूतावासों की सुरक्षा बढ़ा दी। 7 अक्टूबर को इसराइल की सीमा के अंदर जिस तरह से हमास ने आतंक फैलाया और बर्बरता की, वो खूंखार आतंकी संगठन आईसिस की याद दिलाता है। हमास की शैतानी सोच और आईसिस का कनेक्शन भी सामने आया था जब इसराइल पर हमला करने वाले हमास आतंकियों के हाथ में आईसिस झंडे दिखे थे। उधर लेबनन से हमास से भी ज्यादा खूंखार और बर्बर हिजबुल्ला ने भी इसराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। हमास एक सुन्नी संगठन है तो हिजबुल्ला शिया, लेकिन गाजा पट्टी को लेकर हिजबुल्ला के आतंकी अब हमास के साथ मिल गए हैं। इसराइल ने धमकी दी है कि वो हमास की तरह हिजबुल्ला का भी नामो निशान मिटाकर दम लेगा।